अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है, ठीक है, अगर आप जो है नए पीवीसी वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड अगर गुम हो गया है, तो आप किस तरह से ये नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, अगर आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं नए वोटर आईडी कार्ड जो है आप पीवीसी कार्ड में मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर नहीं भी गुम हुआ है तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, चलिए हम आपको इस वीडियो में सिखाते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, अगर वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है, ठीक है, तो आपको पीवीसी में ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है ब्राउज़र खोल लीजिएगा और गूगल में आपको सिंपली टाइपिंग करना है। आप देख सकते हैं मैंने गूगल में क्या टाइपिंग किया है, वोटर सर्विस पोर्टल। आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं voter.eci.gov.in। आपको इस वाले वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे फ्रेंड, देख सकते हैं आपके सामने में इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बता देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले ये देखिए, अगर आपका नया आदमी को बनाना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड आपका गुम हो गया या पहले से है पुराना है, अगर आप नए वाले में मंगवाना चाहते हैं नए पीवीसी कार्ड में, तो आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं फिल फॉर्म एट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम फिल फॉर्म एट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले लॉगिन आईडी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, साइनअप आप देख सकते हैं, साइनअप पे आपको क्लिक करना है। और साइनअप पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं एक आपको हरे कलर का कुछ वर्ड दिखेगा फ्रेंड, आपको इस वाले बॉक्स में आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पे टाइपिंग कर चुका हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है क्योंकि मैंने गलत वर्ड लिख दिया, जैसे कि देख सकते हैं आपको सही से यहाँ पर लिखा है, जो जैसा लिखा रहेगा वैसा इस बॉक्स में टाइपिंग करना है, ठीक है, स्मॉल ABCD में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं टाइपिंग करने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम देना है, यहाँ पे आप पासवर्ड को सेट कर लेंगे। तो पासवर्ड जो है आप अपना नाम से दे सकते हैं, जैसे कि मैं बगल में आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि जो भी नाम होगा @ लगा के नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सब चीज़ फिल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा चीज़ सेट करके यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली साइन इन, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल, ओके पे यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा देना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है जो आपने सेट किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं वही मोबाइल नंबर दोबारा से देता हूँ और जो पासवर्ड आपके सामने में सेट किया था वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो 4J5IDM जो लिख रहा है ना, वो इस वाले बॉक्स में आपको देना है, ये कैप्चा कोड है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा रिफ्रेश भी कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर से मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपको 6 नंबर का रहेगा, 6 डिजिट का रहेगा, तो आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आप फिर से आप देख सकते हैं उसी वेबसाइट पर आ जाओगे क्योंकि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद ऊपर में देखिए आपका नाम आ जाएगा, अभी यहाँ से नया अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। फॉर्म ये देख सकते हैं यहाँ पे न्यू PVC कार्ड में हम मंगवाएंगे वही वोटर आईडी कार्ड को, तो फॉर्म 8 पे क्लिक करिएगा। अगर नए आदमी के हैं तो फॉर्म 6 पे। फिलहाल हम यहाँ पे मेरा वोटर आईडी कार्ड गुम भी हो चुका है तो फॉर्म 8 ही हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो एप्लीकेशन फॉर सेल्फ, अगर अपना कर रहे हैं तो सेल्फ, अगर दूसरे बंदे का अप्लाई कर रहे हैं तो अदर इलेक्ट्रोल, ठीक है। मैं दूसरे बंदे का अप्लाई कर रहा हूँ, उसका गुम हो चुका है इसके वजह से भाई। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोटर आईडी कार्ड पे देखिएगा एक एपिक नंबर होगा, ठीक है, पुराने वोटर आईडी कार्ड पे होगा या अगर वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया तो फोटो होगा आपके पास, वो एपिक नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। और सबमिट पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ देखिए बिहार आपका ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी रहेगा आप यहाँ डिटेल पर आप देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए बहुत सारा जो है ऑप्शन आपको दिखेगा, कुछ लिखा रहेगा आप पढ़ लीजिएगा, करेक्शन ऑफ एंट्री एग्जिटिंग इलेक्ट्रोल, इस वाले पे नहीं क्लिक करना, मैं आपको बता देता हूँ, इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, आपको इसी वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि इस वाले पे क्लिक करेंगे तो पुराना वोटर आईडी कार्ड आपके जो है PVC कार्ड में मिलेगा। तो चलिए मैं इशू ऑफ रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एपिक विदाउट करेक्शन, यानी कि कोई चेंज नहीं करना है, पुराना वाला मुझे वोटर आईडी कार्ड जो है PVC कार्ड में चाहिए। तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने में जो है फॉर्म 1 आ जाएगा, आपका डिटेल ही रहेगा सारा,
तो ज़्यादा चीज़ इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो एक यहाँ पे लॉस का दिखेगा, एक आएगा डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीज़न बियॉन्ड, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं डिस्ट्रॉयड ड्यू टू जो लिखा है ये वाले डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीज़न, इस वाले पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर प्लेस डाल देना है, ठीक है। प्लेस मतलब अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या गाँव का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फिर से नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कैप्चा कोड फिर से इस बॉक्स में आपको टाइपिंग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा 228P0d। चलिए इस बॉक्स में मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए रिव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इस वाले पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं फॉर्म फिर से खुलेगा। ये फॉर्म पे आपका थोड़ा सा जो है डिटेल रहेगा, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, सारा चीज़ चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अगर सब चीज़ सही रहेगा तो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट है। अगर लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ दिक्कत ही है, आप एक बार मिला लीजिएगा तो दोबारा से कीप एडिटिंग पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सही है, सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पूछेगा आर यू श्योर, ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ सही है, हम यस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा PVC वोटर आईडी कार्ड के लिए, न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, ये रेफरेंस नंबर फ्रेंड जरूर कॉपी करके रख लीजिएगा, फोटो खींच के रख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर डाउनलोड नहीं होगा, फिलहाल इसमें कुछ एरर आ रही है, आप देख सकते हैं दिस साइट कांट बी रीच। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ रेफरेंस नंबर, आप फोटो खींच के रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। वो जो है रेफरेंस नंबर से आप जो है चेक करते रहिएगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड कहाँ है, क्या स्टेटस है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो जो आपका रेफरेंस नंबर रहेगा जो मैं अभी कॉपी किया हूँ थोड़ा देर पहले, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेरा बिहार आता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका स्टेटस रहेगा यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है अगर वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा के लिए। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।